नागरिकता संशोधन कानून पारित होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहली बार कोलकाता पहुंचे। उन्होंने राजा रहाट में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 29वें समग्र समूह परिसर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग राष्ट्र को विभाजित करना चाहते हैं और इसकी शांति को रोकना चाहते हैं उन्हें NSG की उपस्थिति से डरना चाहिए। अगर वे तब भी आते हैं तो उनसे लड़ना और उन्हें हराना NSG की जिम्मेदारी है। लखनऊ में सीएम योगी ने संचारी रोग नियंत्रण दस्तक एवं विशेष जेई टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत 31 मार्च तक डेंगू मलेरिया जेई AES को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा, साथ ही टीकाकरण किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने LED वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वास्थ्य विभाग की इस LED वैन में लोगों को इन सभी रोगों से संबंधित जानकारी मिलेगी। कार्यक्रम में सीएम योगी ने PHSC में लगाए गए तमाम विभागों द्वारा आरोग्य मेले का निरीक्षण किया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी विभागों को साथ मिलकर काम करना होगा। सही इलाज से जल्द बीमारियां खत्म होती हैं, वहीं साफ सफाई से बीमारी को कम किया जा सकता है। साथ ही कहा कि बीमारियों को 56% कम करने में सरकार को सफलता मिली है। शामली में PAC कैंप और पुलिस लाइन का सीएम योगी शिलान्यास करेंगे। सीएम 2:30 बजे पुलिस लाइन शामली पहुंचेंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, साथ ही दिव्यांगों को उपकरण भी बांटेंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं इसके बाद सीएम योगी 2 दिवसीय नोएडा दौरे पर जाएंगे, जहां पुलिस कमिश्नर के नए ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। साथ ही 2,821 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सीएम योगी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। ऋषिकेश में योग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। 7 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में देश विदेश के योग से जुड़े लोग शामिल होंगे। महोत्सव में उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी योग महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अमरोहा पहुंचे। यहां पर दोनों का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने CHC का भी निरीक्षण किया। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट समिति की अगली बैठक 15 दिन के अंदर की जाएगी। ट्रस्ट के सचिव चंपत राय 25 दिनों के अंदर बैठक करेंगे, जिसमें सदस्यों को अगली बैठक की तारीख की सूचना दी जाएगी। बैठक में भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा भी शामिल होंगे। राम मंदिर का निर्माण लार्सन एंड टर्बो कंपनी करेगी। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि ट्रस्ट क्या क्या काम करेगा। राम मंदिर का काम लगभग पूरा हो चुका है। लखनऊ में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए नमस्ते लखनऊ अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। शाम 4 बजे पुलिस कमिश्नर इसका शुभारंभ करेंगे। इस अभियान के तहत पुलिस अब सुबह शाम पार्कों में टहलने वालों को नमस्ते करेगी। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने नमस्ते लखनऊ नाम से ये नई पहल शुरू की है। इसके लिए अतिरिक्त मोबाइल और PRV गाड़ी लगाई जाएंगी। सभी गाड़ियों पर नमस्ते लखनऊ लिखा होगा। गोरखपुर जिले के चंपा देवी पार्क में लाखों लोगों ने सतपाल महाराज जी का प्रवचन सुनने के लिए एकत्र हुए। यही नहीं, प्रवचन सुनने आई भक्त महिलाओं ने भजन पर झूम उठी। वहीं सतपाल महाराज ने कहा कि गोरखनाथ की योग स्थली पर आज ये कार्यक्रम बड़ा ही सौभाग्य से हो रहा है और लोग दूर दराज से प्रवचन में सुनने आए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भजन पर महिलाएं झूम रही हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लिबरल और लेफ्ट दलों के लोगों पर जमकर निशाना साधा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि मैं अपने उदारवादी वामपंथी मित्रों से कहना चाहता हूं कि हमें हराकर आप अपनी सरकार बना लें। आप हमें उदारवाद, धर्मनिरपेक्षता और मानवाधिकार न सिखाएं। क्या आपने कभी आतंकवाद और हिंसा पीड़ितों के मानवाधिकारों के बारे में बात की है? कभी नहीं।
दिल्ली जेएनयू में लगे कथित देश विरोधी नारों के मामले में स्पेशल सेल को मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने यह मंजूरी दी है, जिसके बाद अब जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर राजद्रोह का केस चलाया जाएगा। इस मामले में स्पेशल सेल को मुकदमा चलाए जाने को लेकर मंजूरी देने की फाइल काफी वक्त से लटकी हुई थी। अब दिल्ली सरकार की मंजूरी के बाद कन्हैया कुमार पर राजद्रोह की धाराओं में मुकदमा चलाया जाएगा। इस मामले में दिल्ली सरकार ने उमर खालिद, अनिबार्न, आकिब हुसैन, मुजीब उमर गुल, बशरत अली और खादिल बसीर पर भी राजद्रोह का मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी दी है। सहारनपुर में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करना प्रदर्शनकारियों को महंगा पड़ गया। थाना देवबंद के पूर्व विधायक माविया अली समेत 40 पर लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। दो पत्रकारों पर भी केस दर्ज हुआ है। सभी पर धारा 144 का उल्लंघन करने का आरोप है। नागरिकता कानून के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली के शाहीन बाग में धारा 144 लागू कर दी गई है। शाहीन बाग में दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी करके कहा कि इस क्षेत्र में जमा ना हो और न ही प्रदर्शन करें। पूरे इलाके में ड्रोन से नजर रखी जा रही है, साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सीआरपीएफ के जवान भी तैनात हैं। दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में हिंसा पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। इसी बीच दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में नाले से शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सपा नेता अहमद हुसैन सीतापुर जिला कारागार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आजम खान से मुलाकात की। इस दौरान सपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव और सीतापुर एमएलसी आनंद भदौरिया भी मौजूद रहे। मथुरा जेल में बंद डॉक्टर काफिल खान ने पत्नी से हुई मुलाकात में जान को खतरा बताया, साथ ही यह भी बताया है कि उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं इसको देखते हुए डॉक्टर काफिल खान की पत्नी डॉक्टर शाबिस्ता खान ने मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद, अपर मुख्य सचिव गृह और डीजी जेल को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने काफिल की सुरक्षा की मांग की है। बलरामपुर में सदर विधायक पलटू राम व तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ल ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 112 युवाओं का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें 105 जोड़ों का विवाह हिंदू रीति व मुस्लिम समुदाय के 7 जोड़ों का निकाह कराया गया। लेकिन आपको बता दें कि सरकार की ये योजना भी अधिकारियों की मनमानी की भेंट चढ़ती जा रही है। अधिकारी संख्या बढ़ाकर गोलमाल करने के लिए अगले कुछ महीनों में शादी करने वाले लोगों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा काशीपुर में वैश्य समाज द्वारा फूलों की होली और कृष्ण लीला का आयोजन किया गया, जिसमें मथुरा से आए कलाकारों ने कृष्ण लीला का मंचन किया और कार्यक्रम में मौजूद लोगों के साथ जमकर होली खेली। इस होली में महिलाओं सहित पुरुषों ने जमकर धमाल मचाया। राजधानी लखनऊ में प्रशासन आपके द्वारा अभियान के अंतर्गत मेगा शिविर का आयोजन मोहनलालगंज के बक्कास में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने की। इस शिविर में गांव को कई लोगों के जिला अधिकारी द्वारा सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। इस मेगा शिविर में 600 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। शिविर में 200 से अधिक लोगों का चिकित्सीय परीक्षण किया गया और 20 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कराया। चंदौली जिले में गंगा नदी में यात्रियों से भरी नाव के पलट जाने से 5 लोग लापता हो गए। घटना चंदौली जिला स्थित धीना पुलिस स्टेशन के पास महेजी गांव की है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक महिला का शव बरामद किया गया है। 4 लोग भी अभी तलाश बाकी है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में शुक्रवार की शाम खदान में दबने से अब तक 5 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग जख्मी हैं। मरने वालों को 2 सगे भाई भी शामिल है। वहीं इस मामले में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा राशि देने की घोषणा की है।
देवस्थानम बोर्ड के गठन होने के बाद आईएएस रविनाथ रमन को पहला सीईओ भी बना दिया गया है, लेकिन अभी तक सरकार ने चारधाम विकास परिषद और बद्री केदार मंदिर समिति के गठन को समाप्ति नहीं दी है। जबकि बोर्ड के गठन के लिए बद्री केदार समिति के गठन को समाप्त कर देना चाहिए। इसके साथ ही इनमें बैठे दायित्व धरियों की सुविधाएं भी वापस नहीं ली गई है। मामले में अब शहरी विकास मंत्री ने इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार इस पर जल्द ही फैसला लेगी। देवस्थानम बोर्ड के सीईओ बने रविनाथ रमन। 2 मार्च से प्रदेश में उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, जिसमें हाई स्कूल और इंटर स्कूल के बच्चे शामिल होंगे। ऐसे में प्रदेश में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने तमाम बच्चों को परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही परीक्षा का कोई भी दबाव न लेने की भी नसीहत दी है। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी परीक्षा आखिरी परीक्षा नहीं होती है, ऐसे में बच्चे मानसिक दबाव न लें और अच्छे से परीक्षा की तैयारी कर परीक्षा दें। देहरादून नगर निगम का हाउस टैक्स कलेक्शन में बम्पर परफॉर्मेंस रही है। पिछले साल में 17 करोड़ से आगे न बढ़ने वाले देहरादून नगर निगम ने अभी तक फरवरी तक 40 करोड़ के पार हाउस टैक्स जमा करवाकर रिकॉर्ड बनवा लिया है। ये अभी तक की सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन है। नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल के अनुसार हमारा लक्ष्य 75 करोड़ के लगभग है। अभी मार्च महीने में भी निगम टैक्स जमा करवाएगा तो उन्हें यकीन है कि लक्ष्य के आसपास पहुंच जाएगा। वहीं नगर निगम पुराने वार्डों में खाली पड़े प्लॉट्स में भी टैक्स लगा रहा है। लखनऊ में शाइन सिटी कंपनी पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। धोखाधड़ी समेत 21 मुकदमों में कंपनी के सीनियर प्रेसिडेंट को गिरफ्तार किया गया है। एएसआरएस चौकी इंचार्ज उमेश सिंह की टीम ने आरोपी को ज्ञान प्रकाश उपाध्याय गिरफ्तार किया है। लखनऊ के अरावली मार्ग स्थित एसपी ऑफिस की बिल्डिंग में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। लखनऊ के एसपी गाजीपुर दफ्तर की इमारत में लगी आग लग गई। अरावली मार्ग की शिवालिक कॉम्प्लेक्स में शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। मौके पर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अमेठी में ट्रक और टैंकर की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके चलते टैंकर में भीषण आग लग गई। हादसे में ट्रक के ड्राइवर का पैर टैंकर में फंसने के कारण ड्राइवर जिंदा जल गया। फुसरतगंज थाना क्षेत्र के नहर कुठी और इंदिरा गांधी उड़ान अकेडमी के पास यह हादसा हुआ है। ललितपुर के सदर कोतवाली में दबंगों ने एक महिला से उसकी जमीन का एग्रीमेंट करवा लिया। इसके साथ ही डरा धमका कर उसको जमीन छोड़कर जाने की हिदायत दी। इतना ही नहीं, दबंगों के कहने पर गुंडों ने पीड़िता के साथ मारपीट भी की है। साथ ही बंदूक की नोक पर जमीन खाली करवाने का काम भी करा रहे हैं। मामले पर एसपी ने संज्ञान लिया है। खनन से राज्य को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाली कुमाऊं की सबसे बड़ी गौला नदी में इस बार केवल 18 लाख घन मीटर चुगान की अनुमति दी गई है, जिसका लक्ष्य 28 फरवरी को ही पूरा हो गया था। लेकिन रावत सरकार ने फिर से गौला नदी में 12 लाख घन मीटर खनन की अनुमति दे दी है, जिसकी वजह से खनन कारोबार से जुड़े हजारों लोगों ने राहत की सांस ली है। रामनगर के मालधन इलाके में ढेला नदी पर बने बैराज पर साइडो और ब्लॉक बनाने का कार्य जारी है, जिसमें ठेकेदार ढेला नदी से ही उपनखजी का खनन कर निर्माण कार्यों में लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इलाके के लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। बैराज पर चल रहे निर्माण कार्य में मानकों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है। कानपुर में रात में जनसेवा केंद्र का ताला तोड़ चोरों ने लाखों का माल चुरा लिया। वहां से चंद दूरी पर खड़ी रहती है पुलिस, फिर भी चोरों ने जनसेवा केंद्र का ताला तोड़कर लाखों रुपए का सामान चुरा लिया है। चोरों ने लैपटॉप, 2 प्रिंटर सहित दुकान में रखी 18,000 रुपए की नकदी चुरा ली है। रूरा थाना क्षेत्र के रूरा कस्बे की घटना ये बताई जा रही है। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसका इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। वहीं एक बदमाश मौके से फरार हो गया है। बदमाश के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस, कार बरामद की गई है। कौशाम्बी के चरवा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक 50,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसको कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पकड़े गए बदमाश कई मामलों में फरार चल रहा था। बरेली में पुलिस ने सिपाही की हत्या के मामले में 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया है। ठहरिया जंगल के पास पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ के दौरान बदमाश को पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
अलीगढ़ से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां एक दूध मुही बच्ची की उसकी मां ने ही बेरहमी से पटक पटक कर जान ले ली। बताया जा रहा है कि पति ने जब महिला को साड़ी दिलाने से मना कर दिया तो उसने अपनी 7 महीने की बेटी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शाहजहांपुर में गन्ना तौल कराने आए किसान का चीनी मिल यार्ड में शव मिला। मृतक किसान के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। किसान की मौत से नाराज परिजनों ने हरदोई हाईवे पर शव रखकर जाम लगाया। मृतक किसान के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जाँच में जुट चुकी है। थाना रामचंद्र मिशन के रोजा चीनी मिल की यह घटना बताई जा रही है। सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक, ट्विटर और गूगल समेत कई कंपनियों ने पाकिस्तान के डिजिटल सेंसरशिप कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इनके ग्रुप एशिया इंटरनेट कॉलिएशन ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को सख्त लहजे में चिट्ठी लिखकर कहा है कि अगर इस कानून में संशोधन नहीं किया गया तो वे पाकिस्तान में सेवाएं नहीं देंगे। इन कंपनी को ऐसा कंटेंट 24 घंटों में हटाना होगा। इमरजेंसी में यह सीमा 6 घंटे की होती है। आतंकवाद, अभद्र भाषा, मानहानि, फेक न्यूज, हिंसा के लिए उकसाने और राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दों पर कंपनियों को नेशनल कोऑर्डिनेशन के निर्देश मान्य होंगे। चीन के बाद ईरान में कोरोना वायरस से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कोरोना की चपेट में आने से ईरान के एक सांसद की मौत भी हो चुकी है। सांसद मोहम्मद अली रमजानी पिछले हफ्ते ही सांसद चुने गए थे। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद जांच में कोरोना की पुष्टि की गई, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। एप्पल इंक के सीईओ टिम कुक ने कैलिफोर्निया में हुई शेयर होल्डर बैठक में कहा कि इस साल उनकी कंपनी भारत में ऑनलाइन स्टोर खोलेगी। कुक ने कहा कि इसके लिए हमें सरकार से मंजूरी चाहिए। कुक ने यह जवाब एक शेयर होल्डर द्वारा पूछे गए सवाल पर दिया। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एप्पल ये नहीं चाहती कि भारत में उसका कारोबार कोई और संभाले। शेयर होल्डर के साथ इस बैठक में टिम कुक ने यह भी कहा कि भारत सरकार से उन्हें इसके लिए अभी मंजूरी नहीं मिली है। हम भारत सरकार से बात कर रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि जल्द ही ये मंजूरी हमें मिल जाएगी। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में जिस तरह भारतीय टीम और विदेशी टीमों के खिलाड़ी भाग लेते हैं, उसी तरह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पिछले 2 सालों में महिला टीमों के बीच वुमेन आईपीएल शुरू किया है, जिसे वुमेन्स टी20 चैलेंज नाम दिया गया है। हर बार वुमेन्स टी20 चैलेंज बड़ा होता जा रहा है। वुमेन्स टी20 चैलेंज, या फिर यूं कहें कि वुमेन आईपीएल 2020 किस जगह खेला जाएगा, इसका खुलासा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने कर दिया है। महिला टी20 वर्ल्ड कप में उतरी टीम इंडिया का अजय अभियान जारी है। भारत ने शनिवार श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर अपने चौथे और अंतिम लीग मैच में जीत दर्ज कर ली है। जीत की पटरी पर सरपट दौड़ रही टीम इंडिया ऐसे में मौज मस्ती का भी कोई मौका गंवा नहीं रही है। मौज मस्ती करने में सबसे आगे टीम की मिडल ऑर्डर बल्लेबाज जेमिमा रेड्रिक्स हैं, जो डांस कर खुद को कूल रखने का कोई मौका नहीं छोड़ती। हाल ही में जेमिमा को ऑस्ट्रेलिया की एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ डांस करते हुए देखा गया था, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ था। अब जेमिमा ऑस्ट्रेलियाई बच्चों को डांस सिखा भी रही हैं। आईसीसी ने आज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जेमिमा का डांस वाला वीडियो शेयर किया है। कमर की गंभीर चोट से उबरकर करीब 5 महीने बाद मैदान पर वापसी करने वाले हार्दिक पांड्या पहले ही मैच में बड़ी मुश्किल में फंस गए। अब बीसीसीआई उन पर कड़ा कदम उठा सकती है। दरअसल 5 महीने के बाद हार्दिक पांड्या डीवाई पाटिल टी20 कप में रिलायंस वन की ओर से खेलने मैदान पर उतरे। सितंबर के बाद यह उनका पहला मैच था। इस मैच में उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के साथ ही 3 विकेट भी लिए, मगर मैदान पर उतरते समय वे ये भूल गए थे कि उन्होंने टीम इंडिया का हेलमेट लगाकर मैदान पर वो है। बीसीसीआई उनके खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की बहुप्रतीक्षित फिल्म सूर्यवंशी को लेकर जबरदस्त बस बना हुआ है। अब फिल्म के ट्रेलर के रिलीज डेट की घोषणा कर दी गई है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने बताया है कि फिल्म का ट्रेलर 2 मार्च 2020 को रिलीज होगा। उन्होंने ये जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा की है। इस सूचना के साथ उन्होंने अक्षय कुमार की एक फोटो शेयर की है, जिसमें वे रेड स्पोर्ट्स बाइक पर बैठे हुए एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। तरण ने बताया कि ट्रेलर 4 मिनट का होगा। मुंबई में ट्रेलर लॉन्च के दौरान अजय देवगन और रणवीर सिंह भी मौजूद होंगे। फिल्म 24 मार्च को रिलीज होगी। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की अपकमिंग फिल्म राधे की जबरदस्त चर्चा है। मूवी में एक बार फिर
सलमान खान एक्शन मूड में दिखेंगे। राधे मोस्ट वांटेड भाई के टीजर और ट्रेलर का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म के ट्रेलर रिलीज में अभी समय है, लेकिन टीजर को लेकर नया अपडेट सामने आया है। मीडिया में आ रहे रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान अपनी फिल्म राधे का टीजर होली के दिन रिलीज करना चाहते हैं। दबंग खान ने इस बारे में फिल्म के डायरेक्टर प्रभु देवा से भी बात की है। सलमान का मानना है कि होली के दिन राधे का टीजर रिलीज करने से फैंस के बीच जबरदस्त बज बनेगा। बता दें, राधे एक कॉप थ्रिलर फिल्म होगी। बाहुबली और बाहुबली 2 जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले प्रभास सफलता की बुलंदियों पर हैं। पिछली बार एक्शन थ्रिलर फिल्म साहो में प्रभास नजर आए थे। जल्द ही निर्देशक नाग अश्विन के साथ उनकी अगली फिल्म में नजर आ सकते हैं। यह एक मेगा बजट फिल्म होगी। इस फिल्म की शूटिंग साल के अंत तक शुरू होगी और इसका एक बड़ा भाग यूरोप में फिल्माया जाएगा। वैजयंती एंटरटेनमेंट के बैनर तले फिल्म का निर्माण किया जाएगा, जिसने इसमें उद्योग में अपने 50 साल पूरे कर लिए हैं। भोजपुरी फिल्म मेहंदी लगा के रखना के पहले पार्ट में जहां लगा के फेयर लवली के दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया था, वहीं अब इस फिल्म के तीसरे पार्ट का ऐसा ही एक गाना लगा के वैसलीन भी रिलीज कर दिया गया। गाना धमाकेदार है और दूसरा इस बार गाने ने यूट्यूब पर क्वीन आम्रपाली दुबे भी परफॉर्मेंस है, जिसने इस गाने को और भी शानदार बना दिया है। फिल्म मेहंदी लगा के रखना 3 के निर्देशक राजेश मिश्रा ने फिर से ये एक प्रयोग किया है। गाने को मिल रहे रिस्पॉन्स से लगता है कि गाना लगा के वैसलीन भोजपुरी सिनेमा प्रेमियों की जुबां पर तेजी से चढ़ गया है।